और आपको अच्छा शगुन लग रहा है, खामोश। जी हुजूर, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बीरबल, तुम बहुत गुस्ताख होते जा रहे हो, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। तारे बिरदान, शहंशाह नाराज ना हो, इसे ले जाओ। शहंशाह का जहो जलाल कायम रहे, मगर मैंने हमेशा देखा है आइंदा हुजूर को कुछ इस बात का एहसास होगा कि मैंने सही अर्ज किया था। आदाब ले जाओ इसे। शाही बगी तैयार की जाए, हम शिकार को ये जानना चाहते हैं। उफ, कितना खौफनाक जंगल है ये, यहां तो बहुत सारे जंगली जानवर है। वो देखो हिरन, इससे मेरे सामने जिंदा देखे आओ अभी। ये शोर कैसा, ये आवाज कैसी, क्या हो रहा है इस जंगल में? ये चले हम इसको अमीर रानी साहिबा के पास ले जाते हैं। वाह, आज तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया, क्या शिकार लाया है। आज रात को शानदार जश्न मनाया जाएगा और हमारी खुसूसी रक्स के साथ साथ खाने का खास एहतमाम किया जाएगा। वाह बहुत खूब। अरे ये क्या, इसका तो हाथ जख्मी है, हम इसकी बलि किस तरह चढ़ा सकते हैं, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। इसको रिहा कर दिया जाए और इसके बदले किसी तंदुरुस्त मानस को लाया जाए। बादशाह सलामत तशरीफ ले आ रहे हैं, होशियार खबरदार, होशियार खबरदार, होशियार खबरदार। बीरबल को आदर किया जाए इज्जत और एहतराम से। बीरबल,
हम तुम्हारी अकल की दाद देते हैं। आज हम शिकार के लिए गए थे और हम मुश्किल से बचकर आ गए। वहां हमें जंगलियों ने कैद किया था और हमारी बलि चढ़ाना चाहते थे, लेकिन मेरा हाथ जख्मी होने की वजह से उन्होंने हमें रिहा कर दिया। देखा बादशाह सलामत, मैं ना कहता था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ वाकई मैं आपकी बात से सहमत हूं। तुमने आज कमाल का मशवरा दिया था, मगर मुझे यह बताओ बीरबल, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए? तुमने आने के लिए मना क्यों किया था? बादशाह का अखबार बुलंद रहे। हुजूर, अगर मैं आपके साथ आता तो वो जंगली आपके बजाय मेरी बलि चढ़ा देते और वो और आप को छोड़ के मेरी बलि चढ़ा देते। वाह, बहुत ही अकलमंद हो तुम। खुद की भी जान बचा ली और मुझे उस जंगल में भेज दिया था। जाओ, हम तुम्हें माफ कर देते हैं और हम आपको इनाम से नवाजते हैं। जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। शुक्रिया बादशाह सलामत। अगर अल्लाह ताला वक्ती तौर पर कोई आजमाइश देता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पूरी मजबूती के साथ सामना करना चाहिए। आज हमारे इस किट को पेश करने का यही मकसद है कि हम यह पैगाम अपने वालिदैन तक पहुंचा सकें कि अगर आज आपकी जिंदगी में हमारी वजह से कोई आजमाइश है तो इंशाल्लाह आगे आसानी भी आएगी। आमीन।